हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाज क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही प्यारा सा गेट पर्दे का डिज़ाइन। देखिए, इतना हमने इसको कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए देख लेते हैं कौन सा गेट पर्दे का डिज़ाइन हम शेयर। देखिए, गजली वाला गेट पर्दे का डिज़ाइन बोल सकते हैं इसको, या फिर सिंपल भी गेट पर्दा डिज़ाइन इसको बना करके आप इस गेट पर्दे को बनाने के लिए इस तरीके से हम वूल कट करके बना रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमने वूल को कट किया है। और ये देखिए, हमने इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो ये देखिए स्टार्ट किया। ठीक है, 1 2 3, ये 3 रो हमने इसकी, थर्ड वाली रो इसकी बना के कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं किस तरीके से इसमें थ्रेड को स्टिच करेंगे और किस तरीके से वूल को कट करेंगे इस टाइप में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से वूल को इतना, देखिए इतना हमने कई राउंड लेके यहाँ पे इस तरीके से किया इसको बड़ा बड़ा सा। देखिए, जितना हमको एक हमने थ्रेड को रखा है सेम वैसे ही उतना ही बड़ा हमको इसको रखना है। देखिए, इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, फाइनली इस तरीके, और फिर से थोड़ा उसी बराबर, ज़्यादा लंबा नहीं, जितना बड़ा हमने पहले वाला कट किया था उतना ही बड़ा हमको फिर से कट करना है। सेम उसी तरीके से फिर से उतना ही बड़ा कट करना है, इसको हमें स्टिच करना है। ठीक है, गेट पर्दे के डिज़ाइन में तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा, कम समय में बन जाएगा, वूल लगेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत गेट पर्दे का डिज़ाइन बन के कम्प्लीट होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली इसको इसी तरीके से हम कम्प्लीट करेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस तरीके से सारा। आप वूल कट कर लीजिए फिलहाल, अभी इतना कट करना है हमको, अभी बाद में इसको कट करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम कट कर लेते हैं सारा वूल, उसके बाद से फिर हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं हमने थर्ड वाली रो कंप्लीट की है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ, देखिए फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से वूल कट के लगाया है। ठीक है, उसके बाद से फिर 1 बढ़ा दिया, 6, उसके बाद से 7, फिर अब ये थर्ड वाली रो में हमको 7 फ्लावर्स स्टिच करने हैं इस टाइप में वूल वाले। ठीक है, चलिए फिलहाल बना लेते। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने का स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर जगह हमने ये 8 बनाया है। 8 के बाद ये 7 होगा, 7 के बाद 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, इस तरीके से बना करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल इसको बनाना। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे वूल को दोनों को हाफ करके, और इसको धागे को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने टाइट कर लेना है थ्रेड को, इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने 10 रखना है। ठीक है, 10 रखने के बाद फिर से वूल को लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हाफ करके यहाँ पे फिर से इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से धागे को टाइट करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का चेन लेना है, और फिर से यहाँ पे हमको यहाँ पे नॉट लगा लेना है। ठीक है, फिर से नॉट लगाएंगे, यहाँ पे हमको कितने बनाने हैं, हमने 3 लगा लिया ना, यहाँ पे हमें लगाने हैं 4 और, यानी कि 7 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए अगर आपका थ्रेड थोड़ा सा मतलब हल्का हो तो आप डबल कर लीजिएगा, मेरा बहुत हल्का है, पतला सा है, टूट जा रहा है बार बार, मैंने ये गलती की है कि मैंने इसको डबल नहीं किया, डबल किया तो मजबूत हो गया होता। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल अब जो है उसे हम बनाएंगे, और फिर से इतना वूल लेंगे और फिर से यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये फोर्थ वाली रो हम मतलब फोर्थ बार हमें वूल हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं फिर से यहाँ पे धागे को थोड़ा सा खींचना है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन लेना है, और फिर से यहाँ से देखिए स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे नॉट लगाएंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, देखिए हो गया 3, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 10, बीच में 10 का गैप है, तो यहाँ पे हमने 3 और ये 2 5 बना लिया। ठीक है, 5 1, ये 6 बना लिया, लास्ट में एक और बनाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाया, धागे को इस तरीके से थोड़ा सा साइड किया, और यहाँ पे नॉट लगाने के बाद देख सकते हैं धागे को टाइट करिएगा इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन लेना है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरीके से फिर से नॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से धागे को टाइट करना है, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, नहीं यहाँ पे हमने 8 रखा था तो यहाँ भी 8 रखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया, अब देखिए किस तरीके से बल लेते हुए जाना है और इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी थर्ड वाली रो है, जिसमें कि हमने और इसको हमने फिफ्थ 5 4 सॉरी देख सकते हैं कितने पार्ट्स में हमने इसको बनाया है, देख सकते हैं आप लोग, 1 2 1 2 1 2 3 4 पार्ट्स में बनाया है। ठीक है, और ये जो हमने ये वी शेप बनाया है ये 5 बनाया है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखिए बल लेते हुए जाना है, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया,
टू डबल क्रोशिया वन स्किप करके और यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से बल लेना है, एक भी चेन नहीं लेना है। फिर से यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और यहाँ पे फिर से थ्री डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से बल लेते हुए जाना है, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, ठीक है। बना लिया हमने थ्री डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे फोर बना लिया हमने, उसके बाद से यहाँ पे फाइव बनेगा। थर्ड वाले में हमने बताया था ना आपको, सिक्स बना रहे हैं, उसके बाद से फाइव फोर थ्री टू वन, इस तरीके से करते हुए घटता हुआ जाएगा ये, ठीक है। फिर से यहाँ से बोल लेते हुए जाना है और यहाँ पे बनाना है वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, ठीक है, थ्री डबल क्रोशिया बना लिया हमने इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए थोड़ा सा ये लटकता हुआ, ये हमने इस तरीके से बनाया कि आया है, ठीक है। आप और पास भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा बना सकते हैं। तो फिर से देखिए, अब यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट का चेन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एट नाइन टेन भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है कि एट ही रखिए। और उसके बाद से फिर से थ्रेड को लेंगे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे सिंपल, ठीक है। जिस तरीके से लगा रहे हैं लगा लेते हैं, यहाँ पे नॉट लगाए धागे को थोड़ा इस तरीके से खींचना है। फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन का चेन लेना है और फिर से थ्रेड को लेना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, फिर से यहाँ पे स्टिच करेंगे तो इसमें हमने सेवन धागों को यानी कि सेवन बार इस तरीके से कट वूल को स्टिच करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। टू स्टिच कर लिया हमने यहाँ पे और फिर से यहाँ पे स्टिच करेंगे थ्री, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने थर्ड वाला भी स्टिच कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए नॉट लगाएंगे इस तरीके से बना लेना है और फिर से धागे को थोड़ा सा खींचते हुए जाना है। फिर से वन टू टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन बार ले लिया हमने इसको और फिर से स्टार्ट करेंगे। धागे को फिर से इस तरीके से रखना है और ये देखिए धागा लेंगे, थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा आपको, बाद में इसको हम कट कर लेंगे बराबर, ठीक है। तो फिर से इस तरीके से टाइट करेंगे, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने फोर बार स्टिच किया है, फोर के बाद फिर से यहाँ पे, फोर के बाद यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन और चलिए फिर स्टिच कर लेते हैं सारा, इसी तरीके से स्टिच करते जाना है, ठीक है। ये फिर टाइट करेंगे थ्रेड को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन टाइम्स स्टिच किया है, फाइव के बाद वन, सिक्स टाइम्स स्टिच कर लेंगे यहाँ पे इसको रखते हुए, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स टाइम्स हमने यहाँ पे स्टिच करना है इसको, ये देखिए, ठीक है। तो धागे को टाइट करेंगे इस तरीके से और फिर से यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टेन का चेन लेना है और फिर से इस वाले थ्रेड को पकड़ के यहाँ पे स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेना, फिर से यहाँ पे धागे को टाइट करेंगे और देखिए फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है इसी तरीके से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से फिर से इसको स्टिच करना है, तो देख सकते हैं बहुत ही इजी स्टिच करना, बल लेते हुए जाना है थ्रेड में और फिर से यहाँ से वन स्किप करते हुए देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पर हमने इसको क्रोशिया, ठीक है, टू डबल क्रोशिया एंड ये थ्री डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से यहाँ पे इसी तरीके से करते हुए कंप्लीट इस रो को हम कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कैसे। अब ये हमने तो बना लिया, चलिए आपको हम इसमें फाइनली समझा देते हैं किस तरीके से क्या करना है। इसमें सेवन बना, अब टर्न होके आएंगे तो उस वाली रो में हमको एट बनाना है, जो हमने वूल कट के फ्लावर लगाए हैं कट करके, तो वो अब हमको एट लगाना है। फिर उसके नेक्स्ट वाली रो में वो फिर नाइन लगेगा, तो इस तरीके से इसको हम बढ़ाते जाएंगे बनाते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत सा सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन के कम्प्लीट भी हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली इस तरीके से इसको हमको बना करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। टर्न होते जाएंगे, हर एक रो में थ्रेड को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे और थ्री बनाना है हमको, याद रखिएगा, फोर नहीं बनाना है। तो वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया, ठीक है। लास्ट रो बची है, इसको हम कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं ये वाली रो, ठीक है। देख सकते हैं थर्ड वाली साइड रो हमने इस तरीके से बना करके कंप्लीट कर लिया, देखिए लास्ट तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, वन टू का चेन लेना है, इधर टर्न हो जाना है और इसको स्किप करके यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे वन टू थ्री का चेन लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे थ्री डबल क्रोशिया। तो टू हो गया चेन को लेकर के और इसको ले लेंगे तो थ्री डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ पे सिक्स से फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर ये टू बना लिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट बना लिया यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, ठीक है, और ये फिर से यहाँ पे बना लेंगे थ्री डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमने बनाया है थ्री डबल क्रोशिया
फिर नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, ठीक है, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया बना लिया हमने, थ्री डबल क्रोशिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे फाइव बन गया ना, तो एट सेवन सिक्स फाइव, ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन का चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट यानी कि फोर्थ वाली रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से करते हो, सारी रो हमको कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बना के हमको सारा कंप्लीट कर लेना है, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको बना के कम्प्लीट करने का, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से यहाँ पे टाइट करेंगे और धागे को फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सिक्स वन सेवन एट नाइन टेन बना लिया और फिर से ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बाद में भी हम फिर से धागे को कट करेंगे फिर जाके हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आएंगे आप लोग के साथ, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि हमने आपको बता दिया सारा कुछ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से कमेंट करिएगा, तो मैं फिर से इसको बना के समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब इस तरीके से हमने बना लेना है, टर्न हो गए हैं, अब फिर से देख सकते हैं ये फोर्थ वाली रो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सेवन बनाया है, तो इसी तरीके से ये गजले वाला गेट है, तो यहाँ पे हम अब एट बनाएंगे, ठीक है। तो थ्री हो गया, फाइव और बनाएंगे तो एट बन जाएगा, फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इसी तरीके से जितनी रो बनेगी उतनी हम बना लेंगे और इसको फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था, ठीक है। बाद में हम यहाँ पे कोई फ्लावर भी स्टिच करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे झालर लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको पूरा और जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कम्प्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।